यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए, आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि पल पल जो भी अपडेट आए वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाते रहें। जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, विभागीय अधिसूचना संख्या 557 दिनांक 4/6/2021 द्वारा CWGC नंबर 4975/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य संलग्न वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 3/6/2021 को पारित आदेश के आलोक में दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 25/6/2021 निर्धारित की गई। इस के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। कोई भी फर्जीवाड़ा या सर्टिफिकेट को लेके नहीं जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सर्टिफिकेट जांच को लेके बड़ी अपडेट है। उक्त निर्देशानुसार नवादा जिला के अंतर्गत 1-5 और 6-8 शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया निम्नवत संपन्न की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो नियोजन की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होगी, वो बात इसमें जो है वो रखी गई है कि निम्नवत जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया रखेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। उक्त काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित मूल प्रमाण पत्र यथा तथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, TT उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना नवादा को उपलब्ध कराएंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा द्वारा उन सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर उनका सत्यापन समक्ष प्राधिकार से कराया जाएगा। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि देखिए, इस वीडियो के माध्यम से चाहे हमारे STT अभ्यर्थी हो, 94 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बता दी गई है कि भाई अब किसी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा फर्जीवाड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा और विभाग कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने को तैयार है। और ये सख्ती जो है वो देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है सख्ती, और सख्त कदम उठा रहा है विभाग। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा द्वारा किया जाएगा। निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख स्थापना कार्यालय में जमा नहीं करने की स्थिति में किया गया नियोजन वैध नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता दूँ, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो TT STT जो भी सर्टिफिकेट हैं, उन सर्टिफिकेट्स को लेकर ये अपडेट है कि भाई वो सर्टिफिकेट जो हैं आपके दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और आपने किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा किया है, तो अब कहीं ना कहीं विभाग जो है वो सख्त कदम उठा रहा है। और नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जैसे आपके मैट्रिक का अंक पत्र हो गया, प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, TT उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि तमाम चीज़ें आपके ओरिजिनल होनी चाहिए, जो कि विभाग जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं गहराई से उनको देखेगा। सभी प्रमाण पत्रों को गहराई से देखेगा विभाग, ठीक है। और देख सकते हैं उन अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, विभाग अपने पास रखेगा। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी फर्जीवाड़ा जो है आप अब नहीं कर पाएंगे। तो सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है विभाग ने। तो अपने सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उन्हें ठीक से आप ठीक कर लीजिए। और किसी भी प्रकार से मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अब फर्जीवाड़ा नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से सख्ताई बरती गई है, पुलिस की तैनाती की गई है स्थल पे, देख सकते हैं 15 प्रखंडों में शिक्षकों के 250 पदों के लिए 16,588 अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में, काउंसलिंग जो आज हुई है काउंसलिंग, उसमें देखिए पहली से पाँचवीं के लिए उर्दू को छोड़कर सभी 35 पदों पर अभ्यर्थी चयनित। आप देख सकते हैं दोस्तों, दनियामा में सामाजिक विज्ञान के 5 पदों के लिए देख सकते हैं 330 दावेदार आए हैं। आप देख सकिए कितनी मारा मार आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। देखिए
बुधवार को देखिए पटना जिले के 15 प्रखंडों में छठी से आठवीं के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 3 केंद्रों पर होगी। 249 पदों के लिए 16,588 अभ्यर्थी हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा शक्ति है। शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का हो रहा है वेरिफिकेशन, और दस्तावेज जितने भी हैं उनका वेरिफिकेशन कितनी सख्ताई से हो रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 फोल्डर जमा करना होगा अनिवार्य, देख सकते हैं दोस्तों। तो अपने सारे के सारे, अगर आपके पास किसी प्रकार कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको आप अपना ठीक से तैयार कर लीजिए। और शिक्षा मंत्री ने देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है, पहले चलिए काउंसलिंग वाला देख लेते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद देख लेंगे शिक्षक नियोजन से अभ्यर्थियों के दस्तावेज का वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी सख्ताई से किया जाएगा। शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल बनाए जाने के कारण अब काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वालों को सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 फोल्डर तैयार करना होगा। पहले में मूल प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज होंगे तो दूसरे में इसकी छाया प्रतियां होंगी। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा। सभी दस्तावेज को DO के स्तर पर पोर्टल पर अपलोड करना है। वर्ष 2015 में शिक्षक नियोजन की निगरानी जाँच शुरू होने के बाद तत्कालीन नियोजन में अभ्यर्थियों को 3 सेट में फोल्डर जमा कराए गए हैं, इसमें एक मेरिट निगरानी को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है, और कहा जा रहा है शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जो है दोस्तों वो वेरिफिकेशन होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 फोल्डर जमा करने होंगे, देख सकते हैं दोस्तों आप। यहाँ पे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए मांगी विषयवार रिक्तियाँ। विषयवार रिक्तियाँ मांगने का क्या मतलब होता है? 7वें चरण के लिए यानी कि विभाग तैयार है कि 6ठे चरण के बाद सीधे 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करी जाए। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के नियोजन के लिए जिले से रिक्तियां मांगनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है। देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश आया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 31 दिसंबर 2020 तक की विषयवार रिक्तियां एक छठे चरण में विज्ञापित रिक्ति प्रतिवेदन भी मांग लिया है। तो देखिए जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, ठीक है, जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है, उन्होंने आदेश दे दिया है कि भाई एक आदेश दिया गया है कि आप सभी लोग जो है वो रिक्त पदों का हमें ब्यौरा दीजिए ताकि हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आधिकारिक पत्र में साफ किया है कि निदेशालय स्तर पर जिला परिषद एवं नगर परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का समेकन किया जाए। आधिकारिक पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विषयवार रिक्तियाँ 7 जुलाई अर्थात 24 घंटे में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यानी कि देखिए 24 घंटे का समय दिया गया कि भाई हमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल ने का बड़ा आदेश यहाँ पे जारी हुआ है, और उन्होंने कहा है कि 7वें चरण के लिए 24 घंटे के अंदर रिक्तियाँ मांगी गई है। 7वें चरण में करीब 35,000 से अधिक रिक्तियाँ आंकी गई थी। इसमें आंकड़ा कुछ और जुड़ जाएगा, यह आंकलन 2019 की डेडलाइन पर किया गया है। जानकारों के मुताबिक 6ठे चरण की नियुक्तियों के तत्काल बाद 7वें चरण के विज्ञापन जारी किया जाएगा। 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन खास होगा, यह देखते हुए कि उनके लिए STT 2011 और 19 सभी के अभ्यर्थी नियोजन में भागीदारी होंगे, यानी कि 11 और 19 दोनों को एक साथ लिया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 11 और 19 दोनों को लिया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है, विभाग जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तैयार है, शिक्षा मंत्री कंट्रोल रूम से तैयार हैं, और कितना दे सकते हैं दोस्तों निगरानी के लिए, कितना यहाँ पे दे सकते हैं तैयारी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, सभी लोग जो हैं वो तैयार हैं। तो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए मांगी गई रिक्तियाँ, और कह सकते हैं कि विभाग कहीं ना कहीं फुल प्रूफ तैयारी पे है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।